रूस को यूक्रेन पर अपना सैन्य अभियान शुरू किए हुए करीब 11 महीने हो गए हैं, जिस वजह से जीवन का अकल्पनीय नुकसान हुआ। लोग घरों से भाग गए, पालतू जानवर मारे गए और बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस ने लगभग 1,17,000 सैनिकों को खो दिया है। अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये होगा कि रूस ने पहले विश्व युद्ध में अमेरिका की तुलना में अधिक सैनिकों को खो दिया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने मंगलवार को सबसे हालिया आंकड़ों को जारी किया, जिसके अनुसार 24 फरवरी से अब तक 1,16,950 रूसी सैनिकों को समाप्त कर दिया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों को साझा करते हुए ट्विटर का सहारा लिया, जिसमें मंत्रालय ने यह भी कहा कि पूर्ण पैमाने पर हमले के दौरान रूस के 3,121 टैंक और 4,887 वाहन और ईंधन टैंक के अलावा 2,104 आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट कर दिए गए हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में कुल 1,16,516 अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें से 53,402 युद्ध में मारे गए और शेष 63,114 यूरोप में सेवा करते हुए गैर लड़ाकू संबंधित कारणों से, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से मारे गए। रूसी हताहतों की संख्या अब कोरियाई युद्ध में मारे गए अमेरिकियों की संख्या को पार कर चुकी है, जो कि 36,516 थी। इसके अलावा 1995 से 1975 के बीच हुए वियतनाम युद्ध में 58,220 अमेरिकी मारे गए थे। यूक्रेनी रिपोर्टों के अनुसार इस वक्त रूसी हताहतों की संख्या सोवियत संघ के 1989 के आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे के अलावा 2008 में रूस जॉर्जियाई युद्ध और सीरिया के गृह युद्ध में रूस की भागीदारी से काफी अधिक है। वहीं रूस ने आधिकारिक तौर पर 6,000 से कम सैनिकों की मौत की सूचना दी है। अब इन दोनों देशों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी थमने वाला है।